हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मिस्टर मैकेनिक्स। आज हम करेंगे नई मॉडिफिकेशन हमारी आइटन में। ये देख सकते हो आप, जैसे ये लगा हुआ था, ये चाली जो इसकी, ये उतार दिया हमने। इसकी जगह पे अब हम लगाएंगे ये वायर मैश, इसको हम ब्लैक कलर पेंट करेंगे, उसके बाद इसकी फिटिंग करेंगे। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो में आपको दिखाएंगे ये कैसे फिट होगा, ये पूरा ब्लैक कलर में हो जाएगा। लगने के बाद आपको शो भी करेंगे और पूरा प्रोसेस भी दिखाएंगे। ये अब हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं, इस हिसाब से काटेंगे। ज्यादा बहुत बड़ी नहीं करनी, पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा छोड़ना पड़ेगा कि स्क्रूज वगैरह लगाने होंगे, फिटिंग करनी होगी। तो इसको कटिंग करने के लिए हमको थोड़ी मेजरमेंट्स लेनी पड़ेंगी, कितनी कट करके रखें, क्योंकि ये देखिए बहुत एक्स्ट्रा मतलब छड़ी है। और ये जो एक्स्ट्रा हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे, हमारी इस साइड पे यूज कर लेंगे। यहाँ ये छोटी छोटी ये मेजरमेंट ले लिया हमने, परमानेंट वाले से मार्क कर लिया, काट के इसको काट के आपको दिखाएंगे। तो गाइस, ये दोनों हमारे टूल्स हैं जिससे हम इसको काटेंगे। ये छोटी छैनी सी है हमारी, कलम कहते हैं इसको, कलम भी कह सकते हैं, और एक हथौड़ी। हम अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। ये इसके ऊपर रखें, ये ऐसे करके थोड़ा थोड़ा काटते जाना, हमने एक एक टक लगाने हैं। जहां जहां मार्क किए हम वही वही कर रहे हैं। अगर आपके पास ये नीचे आप देख रहे हैं जैसे निशान है, ये मेरी पार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप नीचे कोई और लोहे का पीस रख सकते हैं, केसा या हैमर वगैरह कोई और रख सकते हैं। ये करते हुए ध्यान आपने रखना, क्योंकि ये वायर मैश बहुत तीखी, आप देख सकते हैं मेरे जगह जगह पे खून वगैरह निकल रहा है। आपकी मॉडिफिकेशन 200 रुपीज में हो जाएगी, और अगर आप यही बाहर जाके करवाएंगे वो 5000-4000 ऐसे लेंगे चार्जेस। मैं वायर मैश में बता दूं आपको, मैं 100 रुपीज में लेके आया हूँ ये, 100 रुपीज में इतना पीस मिल गया मेरे को आराम से। ये बड़ी वायर मैश, ये लोहे की है, ये एल्यूमिनियम का भी पूछा था, वो भी इससे इनका 30-40 रुपए ज्यादा थी, इससे ज्यादा नहीं थी। ये जैसे आपने देखा कि हमने सारी जगह टक लगा दी, अब उसके बाद हल्का सा जोर लगा के देखेंगे हम कि ये फोल्ड हो जाएगी हमारी, यहाँ से जाली पूरी फोल्ड कर रहे हैं वो। अब ऐसे करते करते तोड़ भी देंगे इसको ऐसे ही हम। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ टक लगाए थे वहाँ से हमारी जाली अलग हो रही है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये जैसे यहाँ पे थोड़ा मेरे से हल्का टक लगा था, इसलिए ये बीच में अटक गया, तो हल्का टक।
ये लोग आए जब ये मैंने जैसे आपको बताया था थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ता तो पेच वगैरह लगाएंगे स्क्रू वगैरह लगाएंगे तो हल्का सा बाहर को भी दबाना पड़ेगा ना इसलिए थोड़ा ये देखो बाहर को दबा रहे हैं बाहर तो निकल जाएगी अंदर से मतलब स्ट्रेट नहीं रहेगी बाहर थोड़ी लुक सी आ जाएगी सही इसकी तो जब लगेगी ना आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी आप चाहे समझ ना पाओ बाहर की आवाजों को इग्नोर करना पार्किंग में बैठे तो भाई आपने देखा कि इसकी पूरी फिटिंग हमने परफेक्ट बिठा दी है अब इसको करना हमने स्प्रे पेंट से पेंट ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो स्प्रे पेंट है 80-90 रुपीस का आपको कहीं भी बाहर से मिल सकता है ये वाला अब इसको अप्लाई करने के लिए एक बेस कोट हम मार देंगे खाली इस साइड में और ऑपोजिट साइड में मारेंगे 2-3 कोट ताकि अच्छी फिनिशिंग एंड पेंट अप्लाई करने से पहले हमने अच्छी तरह से बॉटल को शेक करना फिर उसके बाद स्लो स्लो अप्लाई करते हुए हमें आगे बढ़ना ताकि ये जंग ना खाए हमारी मैच एंड खराब ना होए ये चीज़ गाइस मैं आपको कह रहा था कि बाहर को थोड़ी ऐसे निकालना कि जैसे आप देख रहे हो थोड़ी उठ सी गई है ये ऐसे जब लगाएंगे ना तब आपको दिखाएंगे कि कैसे मैं आपको क्या कहना चाह रहा था ये हम उल्टी करके हमने डाली अब वो मतलब जो हमारी फ्रंट साइड जो आएगी अब वहाँ हम कोटिंग कर रहे हैं लेकिन फर्स्ट कोटिंग कर रहे हैं वहाँ की अब मारेंगे इसके ऊपर दूसरा कोट जैसे कि बॉटल के ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज वही हम कर रहे हैं
भी आप देख सकते हैं शाइन कितनी प्यारी लगी है इसके ऊपर। एक कोट देने के बाद एक लास्ट कोट भी, देर हमारा पेंट ड्राई हो रहा है उतनी देर में जो हमारे बम्पर के अंदर पहले जो फिटिंग थी उसके लॉक खोल देंगे हम। ये जो टुकड़े हैं हमारे प्लास्टिक के, इसको मैं सोच रहा हूँ फेंकू ना एज अ वॉशल यूज कर लूँ कि अटक जाए। तो गाइस आप देख सकते हो ये जो हमने जाली है पूरी ब्लैक पेंट कर दी है पूरा, ये देखो आप ब्लैक हो गया हुआ सारी ए टू जेड ब्लैक कर दी है। अब फिटिंग कर रहे हैं इसकी हम। नीचे हमने अखबार इसलिए बिछा दिया था कि स्क्रैच वगैरह ना आए कोई, हमने यहाँ से थोड़ा थोड़ा काट लिया था कि इस हिसाब से सेट हो जाए ये। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको मैं यूज करूंगा एज अ वॉशर की बम्पर में से मैश निकले ना या कोई शैतान बच्चा इसको खराब ना कर दे। फिलहाल के लिए मैं आपको ऐसे ही करके इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ, फिर उसके बाद नंबर प्लेट लगा के एंड में दिखाऊंगा और वीडियो को मैं इधर ही कर लूँगी। अभी आप फिलहाल फ्रंट में से लुक देख सकते हैं इसकी, नंबर से जाकर के दिखाता हूँ आपको। तो गाइस अब ये आप लुक से देख सकते हो इसकी कितनी प्यारी लग रही है। अब ये फिटिंग के बाद ही एग्जैक्टली आपको पता लगेगा कितनी प्यारी लग रही है। गाइस हमारी पहली लेयर आपने देखा था वो तैयार हो गई हुई है, तब आपने देख लिया था, और अब हम सेकंड लेयर लगाएंगे। उसका रीज़न ये है कि अकेले उससे हमारा पीछे का पूरा एसी का वेंट वगैरह पूरा दिखेगा, इसलिए अब हम ये सेकंड लेयर लगाएंगे। ये बिल्कुल छोटी छोटी शेड वाली जाली है, ये आम मिल जाएगी आपको हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएगी, गेट पर जो लगती है वही वाली जाली है ये। अब ये सेकंड लेयर होगी हमारी, ये पीछे की साइड अंदर की साइड से लगेगी ये। इसको लगाने के बाद जो मैंने आपको जैसे बोला कि वो जो जैसे हमने वो लगाई थी उससे हमारे पीछे का दिख रहा, इसलिए सेकंड लेयर का हमने आइडिया लिया। सेकंड लेयर लगाने के बाद पीछे का हमको कुछ नहीं दिखेगा, वो कवर हो जाएगा। अब इसको भी हम ब्लैक कलर का कोट देंगे जैसे उसको दिया था। एक कोटिंग करेंगे उसका रीज़न ये क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील है, तो स्टेनलेस स्टील पर रिटर्न लगता नहीं है, वो लोहे की थी हमारी पहले वाली तो सिल्वर फ्लोर ज़्यादा देख रही है इसलिए इसको ब्लैक कर रहे हैं। तो अब इसको हम कोटिंग दे रहे हैं क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील है इसलिए हम सिर्फ एक कोटिंग देंगे इसको। जो पहले थोड़ी मोटी सी जो जाली थी उसको हमने डबल ट्रिपल दी थी कोटिंग, उसका रीज़न ये था कि वो लोहे की जाली थी। अभी स्टेनलेस स्टील है तो उसको हम सिर्फ एक ही कोटिंग देंगे। तो अब इसको हमने पेंट कर लिया है पतली वाली जाली, पतले छेद वाली जाली को भी।
ये देखो ये हमने फिक्स करी हुई थी ऑलरेडी। अब इसको ये इसी साइड हम इसको लगाएंगे ये पतली वाली जाली को। तो ये अब हम इसको हल्का सा एक बाहर का मतलब करते हुए थोड़ा बाहरी साइड को करते हुए गंद कहाँ से आ गए। फोर्स अप्लाई करना थोड़ा, अब थोड़ा फोर्स अप्लाई करके ना इसको फिटिंग करनी है, बिठानी है इसकी फिटिंग बेसिकली। अब हम स्क्रू कस के इसको मतलब फिटिंग कर रहे हैं इसकी। देखिए आगे ये अब हम ऊपर से दो पेच हमने ये कस रहे हैं। अब हम दो पेच नीचे से भी कसेंगे ऐसे जहां से ऊपर कसे थे। Let's go, guys.